वहीं वर्तमान में राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो कई वर्तमान सांसदों की आज नींद खराब कर सकती है। दरअसल 10 से 12 टिकट ड्रॉप हो सकते हैं यानी कि कट सकते हैं। अब ये कौन कौन है इस पर एक कयास ये कि भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, राजसमंद, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जयपुर सीट ऐसी जिस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। यहां नए चेहरे सामने आ सकते हैं यानी कि यहां पर बीजेपी की तरफ से जो सर्वे कराया गया है शायद उसमें जिताऊ कैंडिडेट ये नहीं लग रहे हैं जो वर्तमान सांसद, और इसलिए इनके टिकट कटने की बात सामने आ रही है। और इसमें से एक नाम दौसा भी था। अगली खबर दौसा से ही, अगर किसी का टिकट कटता है तो फिर टिकट किसको दिया जाएगा, बीजेपी कोर कमेटी से बड़ी खबर है। दौसा से ओम प्रकाश हुड़ला के नाम पर विचार चल रहा है, कुछ सदस्यों ने नाम का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कमाल की बात यह कि हुड़ला चाह रहे हैं कि पत्नी को टिकट दे दिया जाए जबकि पार्टी ऐसा नहीं सोच रही। हुड़ला चुनाव लड़ते हैं तो छोड़नी होगी विधायकी। अब इसके पीछे का कारण ये समझिए कि हुड़ला चाहते हैं कि विधायकी भी घर में रह जाए और लोकसभा का टिकट भी घर में मिल जाए। अगर जीत जाए पत्नी तो वो बड़ी लोकसभा, बड़े पंचायत पहुंच जाए और वो प्रदेश की पंचायत में काम करते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, वो कहते हैं कि अगर टिकट चाहिए तो विधायकी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा पैनल पर लगातार विचार चल रहा है और यही हमारी अगली खबर है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक और बैठक में पैनल पर विचार हुआ। कुछ सीटों पर सिंगल पैनल सामने आ चुके हैं। सिंगल पैनल का मतलब ये कि महज एक नाम सामने आया है और एक नाम ऐसा जिस पर किसी को किंतु परंतु नहीं, और ये झालावाड़ सीट से दुष्यंत सिंह का नाम सामने आया है। सिंगल पैनल नाम यानी कि झालावाड़ से सिर्फ एक ही नाम दुष्यंत सिंह, और इस पर बीजेपी मोहर लगाती नजर आ सकती है। लेकिन क्या वाकई में जो सीटों का बंटवारा यहां पर हो रहा है वो जातिगत आधार पर हो रहा है? हम जाति के इर्द गिर्द घूम के प्रदेश के पॉलिटिक्स को आज आपको समझाएंगे और हर सीट का विस्तारवार वर्णन आपको करेंगे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का टिकट चयन में सबसे बड़ा फोकस जाति पर है। जाति के मुताबिक राजस्थान में टिकट वितरण किया जा रहा है और उसको एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जातीय गणित और टिकट चयन इसको आप एक साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। शुरुआत जरा भीलवाड़ा से करते हैं, छोटा नागपुर इसको कहा जाता है, और यहां पर ब्राह्मण, वेश्या, राजपूत वोटों की प्रधानता है यानी कि सबसे ज्यादा वोटर यही है। जाट और गुर्जर जातियों का भी यहां पर दबदबा है। बीजेपी यहां पिछले कुछ चुनावों से वेश्या कार्ड खेल रही है। वेश्या में भी बीजेपी यहां माहेश्वरी वर्ग पर दाव लगाती है। कांग्रेस सीपी जोशी के जरिए यहां सफल ब्राह्मण दाव चल चुकी है। बीजेपी में फिर वेश्या कार्ड पर विचार यहां पर हो रहा है, और वहीं कांग्रेस में सीपी जोशी क्योंकि अब विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं तो यहां से धीरज गुर्जर ताल ठोक रहे हैं, दावेदारी जता रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा टिकट, ये अपने आप में गंभीर सवाल। बहरहाल अब आपको बीकानेर की तस्वीर बताते हैं, क्योंकि जातीय गणित तो और टिकट चयन यहां पर भी इसी आधार पर होता है। बीकानेर को SC आरक्षित सीटों में गिना जाता है। यहां दलित वर्ग के अंदर मेघवाल वोटों की प्राधानता है। कांग्रेस बीजेपी दोनों का फोकस टिकट चयन में मेघवाल पर रहता है। जाट, राजपूत, ब्राह्मण, विश्नोई, माली यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और वर्तमान में भी यहां से जो सांसद हैं वो दरअसल मेघवाल है। अजमेर जो एक तरीके से हॉट सीट, और यहां पर कहा जाता है कि कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स के लिए इस सीट को जाना जाता है। जातीय कार्ड के तौर पर बीजेपी ने सांवरलाल जाट को उतारा था, वहीं सचिन पायलट को मजबूत चुनौती को मानकर यह कारण सामने आया। कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त बीजेपी का जातीय प्रयोग सफल रहा। बीजेपी का टिकट यहां जाट, गुर्जर, ब्राह्मण वर्ग के इर्द गिर्द घूम रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेल नई जातीय इबारत यहां पर लिखी, यानी कि रघु शर्मा को मैदान में उतारा और रघु शर्मा लोकसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन अभी वो चिकित्सा मंत्री हैं। तो क्या ब्राह्मण कार्ड एक बार फिर से यहां पर खेला जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। चित्तौड़ जिसका इतिहास स्वर्णिम, लेकिन सियासी गणित वहां पर क्या कहता है ये भी जरा देखिए। ब्राह्मण और राजपूत जातियों के इर्द गिर्द यहां टिकट का गणित रहता है। पिछले कुछ चुनाव से ब्राह्मण वर्ग को टिकट देने की परंपरा रही है। इस बार भी जर्नल फैक्टर पर दाव खेलने की तैयारी दोनों पार्टियां कर रही हैं। पिछली बार सीपी जोशी ने गिरिजा व्यास को चुनाव में हरा दिया था, लेकिन दोनों नाम पर गौर फरमाइए, एक तरफ सीपी जोशी और दूसरी तरफ गिरिजा व्यास, यानी कि दोनों ही ब्राह्मण उम्मीदवार। नागौर
किसान खेती के लिए जाना जाता है, जाट पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है और यहां का सियासी गणित क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। जाट राजनीति के मुख्यालय के तौर पर चर्चित है, जाट राजनीति के भी सियासी संदेश यहीं से जाता है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों में जाट वर्ग को टिकट में फोकस है। किसान राजनीति के सिरमौर नाथूराम मिर्धा यहां से सबसे प्रखर राजनेता रहे हैं और प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सियासत में भी अपने आप में नागौर ने एक अहम भूमिका निभाई है। अभी भी जाट सांसद यहां से है। बाड़मेर का रुख करते हैं, सरहदी इलाका। बाड़मेर का राजनीति जो है वो जाट और राजपूत के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मुस्लिम, जैन और दलित यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाट वर्ग का यहां सियासत में दबदबा रहा है। जसवंत सिंह ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने जाट मिथक को तोड़ा था, हालांकि उन्होंने सर्व समाज के वोट हासिल किए थे। कांग्रेस इस बार मानवेंद्र सिंह के तौर पर राजपूत प्रयोग कर सकती है, वहीं बीजेपी का जाट कार्ड खेलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये सीट सियासी समीकरण के हिसाब से बेहद पेचीदा रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ मानवेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, वो भी दावेदारी यहां पर जता रहे, उनके समर्थक भी दावेदारी जता रहे, और तीसरी तरफ कर्नल सोनाराम जो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके दौरे के दौरान मिले थे और उसके बाद से समीकरण थोड़े से बदलते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। लेकिन दोनों चीजों को आप मिलाएंगे तो जाट वर्सेस राजपूत इस सीट पर भी नजर आने वाला है। जोधपुर का जिक्र कर लेते हैं, जोधपुर का सियासी गणित क्या कुछ कहता है। राजपूत सीट के तौर पर जोधपुर चर्चित है, राज परिवार के सियासी फरमान का यहां सम्मान रहता है। जाट, विश्नोई और माली कार्ड यहां राजपूत को चुनौती दे सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर माली के तौर पर चुनौती दी थी और सांसद बने थे। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजपूत को मैदान में उतार रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी यहां से नया सियासी प्रयोग करने की सोच रही है, लेकिन यह प्रयोग क्या वाकई में सफल हो पाएगा कहना मुश्किल। पाली का जिक्र कर लेते हैं, जोधपुर संभाग का एक हिस्सा कभी जैन सीट के तौर पर चर्चित था, परिसीमन के बाद जाट, केलबी, सिरबी वोटों की अधिकता यहां पर है। अभी टिकट जाट और केलबी के इर्द गिर्द ही रहता है। जैन वर्ग का इस सीट पर दबदबा भी रहा है और कमाल की बात यह है कि कई समाज इस सीट पर दावेदारी भी जता रहे और कह रहे हैं कि उनकी तादाद यहां पर बहुत ज्यादा, इसलिए उनके समाज से टिकट यहां पर दिया जाए, यानी कि जातिगत आधार पर टिकट यहां पर दिया जाए। एक और सीट का जिक्र हम करते हैं और सियासी गणित समझाते हैं, जालौर सिरोही का सियासी गणित। यहां दरअसल सर्वाधिक संख्या में केलबी और रेबारी वोटों की संख्या है। बीजेपी और कांग्रेस केलबी पर ही दाव खेलते आए हैं। राजपूत, राजपुरोहित, जैन और आदिवासी वोट यहां पर काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राजसमंद अपने आप में महत्वपूर्ण लोकसभा से और यहां का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं यह भी समझिए। परिसीमन के बाद राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की गणित बदल गई है, राजपूत सीट के तौर पर इसे पहचान मिली है। हरिओम राठौड़ अभी यहां से सांसद हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजपूत नामों पर गंभीरता से विचार किया है। हालांकि वेश्य, रावत, गुर्जर वर्ग यहां टिकट का दावा लगातार जताता रहा है। सीकर का सियासी गणित क्या कहता है यह भी समझिए। सीकर को भी प्रदेश की राजनीति में जाट सीट कहा जाता है। पिछले कई सालों से यहां जाट ही सांसद बनता आ रहा है, चाहे कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल फिर पुरानी राह पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम वोट भी यहां बहुत आयत में है, यानी कि उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन यहां पर दरअसल सियासी गुटबाजी भी बहुत ज्यादा है। झुंझुनू का रुख करते हैं, झुंझुनू का सियासी गणित। दरअसल एक दौर जब झुंझुनू की सियासत शीशराम ओला के इर्द गिर्द, उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, यानी कि जाट सीट के तौर पर इसको पहचान दिलाई। झुंझुनू न केवल राज्य को बल्कि देश में भी नामचीन जाट नेता के तौर पर पहचान दिलाते नजर आए। इस सीट को खांटी जाट सीट के तौर पर गिना जाता है। इस बार भी दोनों ही दलों का फोकस इसी वर्ग की तरफ है। बीजेपी ने यहां माली प्रयोग किए थे, लेकिन दरअसल वो सफल हो नहीं पाई। दूसरी तरफ जाट को किसी वर्ग को अगर मजबूती मिली है, चुनौती मिली है, तो वो मुस्लिम यहां पर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ से जाट उम्मीदवार को यहां पर चुनौती मिलती हुई नजर आती है। लेकिन बीकानेर जहां विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा बवाल खड़ा हुआ, कुछ सीटों का हेरफेर भी नजर आया। कांग्रेस
और बीजेपी दोनों के लिए लोकसभा चुनाव में भी ये एक बड़ी सीट रहेगी। और बीजेपी से इतर कांग्रेस बीकानेर में विमेन कार्ड खेल सकती है। दो चेहरों पर यहाँ प्रमुख तौर पर सक्रियता नजर आ रही है। सरिता और बनारसी यहाँ से प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही दरअसल दिग्गज नेताओं के रिश्तेदार हैं। अब इसको आप वंशज कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक ही फॉर्मूला टिकट का, और वो जिताऊ टिकाऊ जातिगत आधार पर, अपनी लोकप्रियता के आधार पर। जरा हाड़ोती का भी रुख कर लेते हैं। कोटा बूंदी सीट आपको बताते हैं कि यहां किस तरीके से क्या वाकई में ब्राह्मण कार्ड खेला जाएगा। बीजेपी में लोकेश चतुर्वेदी ने दावा जता दिया है। उनके पिता स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी कद्दावर नेता रहे हैं। हाड़ोती के दिग्गजों में उनकी गिनती होती आई है। और कमाल की बात यह है कि बीजेपी में संघनिष्ठ कहे जाने वाले लोकेश चतुर्वेदी ओम बिरला को टिकट की जंग में चुनौती दे रहे हैं। हालांकि हीरेंद्र शर्मा भी ब्राह्मण के नाते टिकट यहां पर मांग रहे हैं, यानी वर्तमान सांसद के खिलाफ ही ताली यहां पर ठोकी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आपको हमें जाएगा ब्रेक के बाद, बाकी सीटों की जानकारी हम आपको देंगे कि अगर जाति के आधार पर किस तरीके से सीटें जाति के आधार पर एक साथ सियासी समीकरण बनाती हुई नजर आती है। जल्द से इलेक्शन डीएनए में अब बात सुनी सुनाई की, क्योंकि सियासत की भी अजीब तासीर है। जहां जो होता वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकल या कयास, इसे आप जो भी कहें, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी होते हैं। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबान। नमस्कार, खबरों के पार की खबर और कुछ खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं कि कुछ गपबाजों ने गप को गॉसिप बना दिया। दरअसल भाजपा के मुख्यालय को लेकर ये खबर फैला दी गई कि दीनदयाल मार्ग पर बनाए गए नए भाजपा मुख्यालय को पुनः 1100 करोड़ ले जाया जाएगा। और कहा यह गया कि कुछ पंडितों की सलाह पर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि नए भाजपा मुख्यालय पर भाजपा को ज़्यादा खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। अब उन्हें कौन समझाए कि जब 1100 करोड़ पर कार्यालय था, तब भी भाजपा लंबे अरसे तक विपक्ष में रही थी। दरअसल ये खबर यूं निकली क्योंकि पुराने भाजपा कार्यालय को वार रूम में तब्दील किया जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव में काम आएगा, इसलिए वहाँ रंग रोगन पुताई उताई की जा रही है। सुनते हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में गांधी परिवार के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई छाया रहा तो वो राजस्थान के गांधी कहलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। कमाल ये था कि गुजरात की पुलिसकर्मी से लेकर आम आदमी तक में अशोक गहलोत के प्रति क्रेज देखा जा रहा था। यहाँ तक कि CWC में भी कई नेता इस जादूगर से बतियाते दिखे और अपने राज्य के लिए कुछ टिप्स भी लेते दिखाई दिए। हालांकि अशोक गहलोत के इस क्रेज को लेकर राजस्थान के कुछ नेताओं के माथों पर जरूर लकीरें खिंच गई हैं। सुनते हैं कि भाई साहब के बंगले पर एक बार फिर बहार है। जी हां, हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव में जो भी टिकट चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि भाई साहब के दर पर धोख लगाना जरूरी है, कहीं भाई साहब कैंची ना चला दें। ऐसे में जो भी टिकटार्थी हैं भाई साहब से मिलने का मौका ढूंढते रहते हैं। और जब भाई साहब जयपुर स्थित आवास पर आए तो टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ देखी गई। भाई साहब के भरोसे राजस्थान में कई नेताओं को टिकट की उम्मीद भी है, लेकिन सुनते हैं कि भाई साहब तो भाई साहब हैं, दिल्ली में कहकर आए हैं एक सेठ जी के लिए, और यहाँ तक कह आए कि आप किसी को टिकट दें या ना दें लेकिन सेठ जी पर मेहरबानी जरूर रखिएगा। अब इससे एक केंद्रीय मंत्री को बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, सेठ जी से एक और किस्सा याद आया कि बीजेपी ने 50 करोड़ का टारगेट पूरे राजस्थान में रखा है पार्टी संगठन में फंड के लिए। इलेक्शन इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।